तो जज और मैजिस्ट्रेट, इन दोनों का डिफरेंस आज हमें देखना है इस वीडियो के जरिए। भारत में न्यायाधीश और मैजिस्ट्रेट के बीच क्या अंतर होता है, दोनों का डिफरेंस क्या होता है। बहुत सारे यूजर्स का मुझे सवाल आया है कि जज और मैजिस्ट्रेट यानी न्यायाधीश और मैजिस्ट्रेट के बीच का क्या अंतर होता है। तो आज हम इस वीडियो के सिलसिले में देखेंगे दोनों का डिफरेंस क्या होता है। तो जज वेस्ट मैजिस्ट्रेट, सभी को पता है जज यानी न्यायाधीश और मैजिस्ट्रेट यानी मैजिस्ट्रेट ही क्या कहा जाता है उसे, अंग्रेजी के अंदर, हिंदी के अंदर भी वही उसे कहा जाता है मैजिस्ट्रेट। जज एंड मैजिस्ट्रेट मेनली एग्जिस्ट इन पावर, ईच वन ऑफ देम एक्सरसाइज ओवर द कम्युनिटी और इन द सिस्टम ऑफ जस्टिस। जज एंड मैजिस्ट्रेट आर टू टर्म्स दैट आर ऑफन कंफ्यूज व्हेन इट कम्स टू देयर यूजेस। इट इज जनरली बिलो दैट बोथ ऑफ द टर्म्स रिफर टू वन एंड द सेम पर्सन। एक्चुअली इट इज नॉट सो। अ जज इज डिफरेंट फ्रॉम मैजिस्ट्रेट इन वन देन एस्पेक्ट, इन मोर देन वन एस्पेक्ट। इट इज नीदर ट्रू दैट बोथ ऑफ देम डिफर इन देयर पावर्स। दोनों के अलग अलग पावर्स होते हैं, दोनों का टर्म्स जो है वो अलग अलग होता है। जज इज बेस्ट ऑन विथ मोर पावर्स देन मैजिस्ट्रेट। जज के जो है पावर पावर ग्रेटर देन मैजिस्ट्रेट से ज्यादा होते हैं। दिस इज एन इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन टू टर्म्स, यानी यही इनका खास मेन डिफरेंस है कि जज जो है उसके पावर मैजिस्ट्रेट से ज्यादा होता है। तो किस सिलसिले में उसके पावर्स ज्यादा होते हैं वो आज देखेंगे हम। वीडियो पूरा दिखेगा यानी आपको पूरी बात समझ में आएगी। क्या होता है कि न्यायपालिका संविधान का अंग है जो नागरिकों के हितों की रक्षा करता है। यह अंतिम प्राधिकरण है जो कानूनी मामले और संवैधानिक व्यवस्था की व्याख्या करता है। यह नागरिकों को राज्य और अन्य पार्टियों के बीच विवादों पर कानून लागू करने और निर्णय लेने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कौन? मैजिस्ट्रेट और जज। तो न्यायालय अधिकारों की रक्षा के लिए देश में कानून बनाए रखते हैं और उसके लिए न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय और अन्य अधीनस्थ अदालतों के प्रमुख होते हैं। न्यायाधीश मैजिस्ट्रेट के समान नहीं होते, न्यायाधीश जो है वो मैजिस्ट्रेट के समान नहीं होते। इनकी शक्तियां भी अलग होती है, जैसे न्यायाधीश से अपेक्षाकृत कमी होती है मैजिस्ट्रेट की शक्ति। एक मैजिस्ट्रेट का अधिकार उसके क्षेत्र के आमतौर पर एक जिला या शहर होता है, यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इसकी पावर्स रहती है। मैजिस्ट्रेट की जो पावर्स है इज डिपेंड ऑन डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर। लेकिन न्यायाधीश और मैजिस्ट्रेट के बीच का अंतर के बारे में और हम ज्यादा डिटेल्स देखेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि मैजिस्ट्रेट के बारे में, कि मैजिस्ट्रेट सबसे पहले क्या होता है वो हम देखेंगे, यानी हमें पूरा ये जो वीडियो है वो समझ में आ जाएगा। यहाँ पे लिखा है, देखो, मैजिस्ट्रेट इज अ स्टेट ऑफिशियल हु टेक्स डिसीजन इन लीगल केसेस जस्ट लाइक जज। मैजिस्ट्रेट भी जो है वो डिसीजन जज के जैसे ही लेते हैं, लेकिन मैजिस्ट्रेट
कम से कम एक सिविल अधिकारी होता है। मैजिस्ट्रेट जो है एक सिविल एडमिनिस्ट्रेटर होता है, और किसी विशेष क्षेत्र, यानी मैंने आपको पहले ही कहा कि एक जिला या शहर, डिस्ट्रिक्ट और सिटी, डिस्ट्रिक्ट और सिटी में उसका कानून का प्रबंधन करता है। मैजिस्ट्रेट जो ये शब्द है, ये अंग्रेजी का शब्द है, अंग्रेजी से लिया गया है, जिसका अर्थ है कानून के प्रशासनों के प्रभारी, सिविल अधिकारी, जिसका अर्थ ये होता है कि कानून के प्रशासन के प्रभारी सिविल अधिकारी। यह वो व्यक्ति है जो सिविल या क्रिमिनल मामलों में दोनों ही मामले सुनता है, सिविल एज वेल एज क्रिमिनल, ये दोनों ही मामले सुनता है। और उसके बाद जो है वो मामलों का अध्ययन करके निर्णय देता है। ऐसा कहना गलत होगा कि जिला मैजिस्ट्रेट या कलेक्टर जिले का मुख्य कार्यकारी प्रशासनिक और राजस्व अधिकारी होता है। वह जिले में कार्य कर रही विभिन्न सरकारी एजेंसी वह जिले में कार्य कर रही विभिन्न सरकारी एजेंसियों के मध्य आवश्यक समन्वय की स्थापना करता है। तो समझ में आ गया होगा कि मैजिस्ट्रेट का क्या कर्तव्य है, वो किस तरह से निर्णय देता है। दो ही डज नॉट हैव मच पावर एज जज, उसके जो पावर्स है वो जज से थोड़े कम होते हैं। इट इज इम्पॉर्टेंट टू नो दैट पावर गिवन टू मैजिस्ट्रेट आर एकिन टू दोज गिवन टू एन एडमिनिस्ट्रेटर। एडमिनिस्ट्रेटर पावर, जैसे उसका मतलब, मैजिस्ट्रेट का मतलब ही हमने जाना कि कानून के प्रशासन के प्रभारी सिविल अधिकारी के तरफ से ही उसके जो पावर्स रहते हैं। दिस इज वाई मैजिस्ट्रेट हैंडल्स स्मॉल एंड माइनर केसेस ओनली। ये इम्पोर्टेंट से एक छोटी केसेस और कम माइनर्स केसेस, यानी कमतर जो केसेस रहते हैं वो मैजिस्ट्रेट हैंडल करता है। द लॉ इन्फोर्समेंट पावर एक्सरसाइज बाय मैजिस्ट्रेट आर वेरी मच लिमिटेड इन नंबर एंड नेचर व्हेन कंपेयर्ड टू द लॉ इन्फोर्समेंट पावर एक्सरसाइज बाय जज। जज के मामले में ये इसके पावर्स भी कम रहते हैं, वो छोटे मोटे जो मामले हैं वो सॉल्व करता है मैजिस्ट्रेट। इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट ए मैजिस्ट्रेट इज अपॉइंटेड बाय जज। इसकी जो अपॉइंटमेंट है वो जज के थ्रू होती है। अ फ्यू कंट्रीज, कुछ देशों के अंदर, दिस ओनली मीन्स दैट अ जज हैज अथॉरिटी टू अपॉइंट इवन मैजिस्ट्रेट। दस द डोमेन इन विच ए मैजिस्ट्रेट वर्क्स इज नॉर्मली लिमिटेड। इसलिए मैजिस्ट्रेट का जो वर्क है वो नॉर्मली क्या रहता है, लिमिटेड होता है। अब आगे देखते हैं कि मैजिस्ट्रेट और जज ये शब्द कहां से आए। वॉरेन हेस्टिंग 1772 में जिला मैजिस्ट्रेट पद का सृजन किया था। वॉरेन हेस्टिंग सब लोग पहचानते होंगे, वॉरेन हेस्टिंग का बहुत सारा योगदान है भारतीय कानून के अंदर, कानून बनाने के अंदर। तो जिला मैजिस्ट्रेट का मुख्य कार्य सामान्य प्रशासन का निरीक्षण करना, भूमि राजस्व वसूलना और जिले में कानून व्यवस्था को बचाए रखना रहता है। वह राजस्व संगठनों का प्रमुख होता है, ये मैजिस्ट्रेट रहता था। जिले के अन्य सभी पदाधिकारी उसके अधीनस्थ होते थे और अपने अपने विभागों की प्रत्येक गतिविधि की जानकारी उसे उपलब्ध कराते थे। किसे? मैजिस्ट्रेट को। मैजिस्ट्रेट को तो बहुत सारे कर्तव्य और ड्यूटी वैरन हेस्टिंग के टाइम पर उनको दिया गया था, लेकिन जिला मैजिस्ट्रेट के कार्य भी इनको सौंपे जाते थे। मैजिस्ट्रेट को जिला मैजिस्ट्रेट होने के नाते वह पुलिस और जिले के अधीनस्थ न्यायालय की भी निरीक्षण करता था। अब मैजिस्ट्रेट के
कितने प्रकार होते हैं मैजिस्ट्रेट के? टाइप्स ऑफ मैजिस्ट्रेट, ज्यूडिशियल मैजिस्ट्रेट, सेकंड रहता है चीफ ज्यूडिशियल मैजिस्ट्रेट, और थर्ड रहता है मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट, उसके बाद फोर्थ रहता है एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट। तो आमतौर पर मैजिस्ट्रेट के चार प्रकार होते हैं, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट और एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट। तो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट इसे कहते हैं न्यायिक मैजिस्ट्रेट, चीफ जुडिशियल को कहते हैं मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट, मेट्रोपॉलिटन को मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट और एग्जीक्यूटिव को कार्यकारी मैजिस्ट्रेट कहा जाता है। तो जुडिशियल का मैजिस्ट्रेट का जो पावर्स रहता है, जुडिशियल का जो रहता है, ये उच्च न्यायालय के परामर्श के बाद राज्य सरकार के प्रत्येक जिले में प्रथम और दूसरी श्रेणी के न्यायिक मैजिस्ट्रेट की संख्या को सूचित करती है, कर सकती है। न्यायिक मैजिस्ट्रेट मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट के अधीनस्थ होता है, न्यायिक मैजिस्ट्रेट मुख्य न्यायिक के अधीनस्थ होता है, और सत्र न्यायाधीश द्वारा शासित किया जाता है, यानी सत्र यानी जिला। क्या आप जानते हैं कि प्रथम श्रेणी के न्यायिक मैजिस्ट्रेट को अधिकतम 3 साल के कारावास की सजा देने का अधिकार है और 5,000 रुपए का तक का जुर्माना देने की अनुमति होती है? किसे? प्रथम श्रेणी मैजिस्ट्रेट को, यानी फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट को 3 साल तक की सजा दे सकता है और 5,000 रुपीज का जुर्माना। इसे इतना ही पावर रहता है। द्वितीय श्रेणी के न्यायिक मैजिस्ट्रेट को जो पावर्स है वो द्वितीय श्रेणी के न्यायिक मैजिस्ट्रेट को निम्नतम स्तर की अदालत के रूप में जाना जाता है, अधिकतम जो है वो 1 साल की सजा दे सकता है, 1 ईयर की, और 3,000 का जुर्माना वसूला जा सकता है और जुर्माना देने के उसको अधिकार रहता है। अब देखेंगे चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। एक प्रथम श्रेणी के न्यायिक मैजिस्ट्रेट को हर जिले में उच्च न्यायालय द्वारा मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट नियुक्त किया जाता है, चीफ जुडिशियल को। ये उच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक मैजिस्ट्रेट नियुक्त किया जाता है। मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट सत्र न्यायाधीश द्वारा अधीनस्थ और नियंत्रित होता है, यानी जो हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रहते हैं उसके अधीन ये नियंत्रित रहते हैं। उनके पास कारावास की सजा या जुर्माना लगाने की शक्ति 7 साल से अधिक नहीं होती है, सेकंड कैटेगरी के इनको 7 ईयर तक का रहता है सजा देने का अधिकार। अब थर्ड आता है मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट। हम बता दें आपको कि 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में 10 लाख आबादी वाले शहरों में मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट रहते हैं, जैसे दिल्ली, औरंगाबाद, पुणे, जो इस तरह के बड़े बड़े मुंबई, इस तरह के जो शहर रहते हैं वहां पर मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट नियुक्त किए जाते हैं। और मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट सत्र न्यायाधीश को रिपोर्ट करता है, राइट, और मुख्य मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट के अधीनस्थ रहता है।
अब देखेंगे एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, फोर्थ कैटेगरी का है एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट। अब एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट सरकार के निर्णय के अनुसार एक जिले में कार्यकारी मैजिस्ट्रेट नियुक्त करता है और इन कार्यकारी मजिस्ट्रेट में से एक को जिला मजिस्ट्रेट और एक को अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्त किया जाता है। एक को जिला और अतिरिक्त जिला यानी एक बड़ा शहर देख के वहां पर अतिरिक्त मजिस्ट्रेट यानी सत्र न्यायालय में उसको एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट नियुक्त किया जाता है। ये हुई सब सारी बातें मजिस्ट्रेट की। अब हम जानेंगे जज की। जज भी एक व्यक्ति रहता है, उसकी लॉ की डिग्री रहती है, हैज एक्सपीरियंस इन वर्किंग एज अ लॉयर, लॉयर का काम उन्होंने किया रहता है। जज हैज अ लॉट ऑफ पावर इन टेकिंग डिसीजन दैट कंसर्न लीगल मैटर्स, जो सिविल के जो मैटर्स रहते हैं उसके बहुत सारे पावर्स जजेस को दिए जाते हैं और रहते हैं। व्हेन इट कम्स टू केसेस अ जज is left to handle big and complex cases, बहुत कठिन केसेस और ज्यादातर बड़ी केसेस जज हैंडल करते हैं। न्यायाधीश का एक सामान्य अर्थ है निर्णय लेता है, न्यायाधीश सामान्य अर्थ है जो निर्णय लेता है, इसका अर्थ यही होता है कि जो निर्णय लेने वाला, निर्णय लेना यानी न्यायाधीश एक ऐसा व्यक्ति है जो अदालत की कार्यवाही का पालन करता है, या तो अकेले या तो सेल्फ या फिर न्यायाधीश के पैनल के साथ, उसका पैनल रहता है 3, 7, 5 इस तरह के जो पैनल होगा वो पैनल के साथ। कानून में एक न्यायाधीश को न्यायिक अधिकारी के रूप में वर्णित किया गया है, कानून में एक न्यायाधीश को न्यायिक अधिकारी के रूप में वर्णित किया गया है जो अदालत की कार्यवाही का प्रबंधन करता है और मामले के विभिन्न तथ्य और विवरणों पर विचार करके कानूनी मामले पर सुनवाई लेने के लिए चुना जाता है। अब उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया क्या है? अधिकार क्षेत्र के आधार पर न्यायाधीश की शक्ति, कार्य और नियुक्ति विधि अलग अलग होती है। आपको यह जानना चाहिए कि न्यायाधीश चुनाव पक्ष के बीच एक मध्यस्थ की भूमिका भी निभाता है और अभियोजन पक्ष, रक्षा, वकीलों और अन्य मामलों के तर्कों द्वारा प्रस्तुत गवाहों, तथ्य और साक्ष्य को ध्यान में रखकर निर्णय सुनाता है। भारत के राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को नियुक्ति करते हैं और राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीशी न्यायाधीश और संबंधित राज्य के गवर्नर के साथ चर्चा के बाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की भी नियुक्ति करते हैं। परामर्श के बाद राज्यपाल द्वारा जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है, यानी जज की नियुक्ति जो है वो राज्यपाल से गवर्नर करता है, स्टेट गवर्नर जो राज्य का गवर्नर है ये इनकी नियुक्ति करता है। प्रत्येक सत्र विभाग के लिए उच्च न्यायालय द्वारा सत्र न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है और कानूनी आधार पर इनको मौत की सजा सुनाने की भी शक्ति दी गई है। किसे? जज को, डेथ सेंटेंस देने का भी अधिकार, इनको पावर रहता है। किसे? जज को। तो ये हमने देखा कि मैजिस्ट्रेट और जज के बीच के अंतर। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलिए। आते हैं एक नए वीडियो के साथ आपके लिए, तब तक के लिए शुक्रिया, आदाब।